हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम क्लासेस 360। आईर ए भिडियो आम आलोचना करवा दशम श्रेणीर जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय रेचन बा एक्सक्रिएशन प्रश्नावली आलोचना करवा तारी पूर्व आम चैनल को जदि नुआकर भिजिट करते आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जदि भिडियोटी भल लगे तेल निश्चय लाइक करेंगे और निज सांग सेयार करेंगे जहाँ को यार आवश्यकता रही। डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम चैनल लिंक रही जॉइन हो जातु। ठीक अच्छे चलतु आलोचना करवा। देखो प्रथम नंबर कौन कही एक नंबर रेचन कौन रूपग्र अवस्थित गठन लेख रेचन क्या कह जाए। देख शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जत बर्ज्यवस्तु निष्कासित होता है रेचन कहुए। मनुष्य शरीर में मध्यचेतार ठीक तले उदर गह्वर भितर और मेरुदंडर उभय पार्श्वर दुईट रूपक रही है। यहाँ रूपग्र अवस्थित देख प्रति रूपग्र आकृति प्राय सिंह मंजी पर रूपगुड़िक सिंह मंजी पर देखा जाए। तापर लिखा आम कौन वयस्क व्यक्तिर ब्रुकग्र दैर्घ्य प्राय 10 रु 12 सेमिटर प्रस्त प्राय 5 रु 7 सेमिटर और मोटे प्राय 3 सेमिटर रही है। ब्रुकग्र खालुआ अंश को हाइलम कहुए। हाइलम ठारे वृक्कीय शिरा वृक्कीय धमनी और मूत्र सारणी ब्रुक सहित संयुक्त होता है। तापर आम देखा 2 नंबर प्रश्न कही कौन ब्रुकग्र गठन कार्य लेख ब्रुकग्र गठन लेखा। प्रथम प्रति ब्रुकग्र आकृति प्राय सिंह मंजी पर ब्रुक र लेखिटा को ब्रुकग्र आकृति सिंह मंजी पर ब्रुकग्र खालुआ अंश को हाइलम कहुए। हाइलम ठारे वृक्ष शिरा वृक्ष धमनी और मूत्र सारणी ब्रुकक सह संयुक्त होता है। मूत्र सारणी मूत्राशय सह संयुक्त होता है। तो यहीटा गला आम ब्रुकग्र गठन। तापर ब्रुकग्र कार्य लेखा। देख ब्रुकग्र कार्य कौन लेख ब्रुकक शरीर यूरिया निष्कासन करें। शरीर में जल और धातव लवणर परिमाण नियंत्रण कै रक्त अम्ल और क्षार मध्य संतुलन रक्षा करे। रक्तचाप नियंत्रण करे। लोहित रक्त कणिका गठन में साहय करे। शरीर अंतः परिवेश सुरक्षित रखे। तो यहाँ गला ब्रुकग्र कार्य। तापर 3 नंबर प्रश्न देखा उद्भिदर रेचन एक बरणी दि उद्भिदर किपर रेचन होता है। देख उद्भिदर स्वतंत्र रेचन अंग न था। चयापचय जत विभिन्न उपजात पदार्थ उद्भिदर केतेक विशेष अंशे गच्छित हो रहे। उदाहरण खईर झुणा अठा क्षीर टार्टारिक अम्ल साइट्रिक अम्ल क्विनाइन और निकोटिन इत्यादि। तापर आम लिखा देख यही बर्ज्य पदार्थ जो उद्भिदर क्षति हो नगुड़ निष्कासन स्वतंत्र रेचन अंगर आवश्यकता न था। उद्भिदर स्टोमाटा रेचन अंग भली कार्य करें। उद्भिद बर्ज्यवस्तु मुक्त रही विभिन्न उपाय अवलंबन करें। उदाहरण शरीर बलका जल उत्पेदन प्रक्रिय निष्कासित हुए। तापर देख लिखा अनेक उद्भिदर बर्ज्यवस्तु कोष मध्यस्थ रसदानी में संग्रहित हो स्थल विशेष पत्र संग्रहित हुए पर बर्ज्यवस्तु पूर्ण पत्र सुखी झड़ी जाए। रेजिन और टानिन पर बर्ज्यवस्तु परिपक्व जाइलम संग्रहित होता है। तापर 4 नंबर कही देख शरीर में चयापचय प्रक्रिया जत होता बर्ज्यवस्तु गुड़िकर नाम लेख मेरुदंडी प्राणी मानकर मेरुदंडी प्राणी मानकर यह क्यों उपादान में परिणत हो शरीर निष्कासित होता है। तो आम उत्तर लिखा कौन देख शरीर में चयापचय प्रक्रिया जत होता बर्ज्यवस्तु गुड़िक है एमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड। एगुड़िकर अधिकांश ब्रुकक द्वारा मूत्र रूपे और किसी अंश झाड़ रूपे स्वेदग्रंथि द्वारा निष्कासित होता है। सेकेंड पॉइंट लिखा जलचर प्राणी एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को निष्कासन करते। स्थलचर मेरुदंडी प्राणी मानकर यकृत एमोनिया सह अंगारकामल रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न हुए। यह रक्त में मिसी ब्रुकग्रे पहुंची थाए और सेठे अलग हो मूत्र सह शरीर बाहरी जाए। शेषे आम लिखा विहंग और सरीसृप मैंने यूरिक एसिड को मल सह निष्कासित करती। तो यहीटा गला आम 4 नंबर प्रश्नर उत्तर। तापर देखा आम 5 नंबर प्रश्न कही मनुष्य रेचन तंत्र एक नामांकित चित्र अंकन कर। तो मनुष्य जो रही रेचन तंत्र तार नामांकित चित्र यहपर भाव में स्क्रीन में जब देखाई से भाव में अंकन कर सुंदर भाव में अंकन कर तार जोटा जो अंश रही भल भाव चिह्नट कर। देख परीक्षा आम जो प्रश्न आसी थे से गोटे चित्र निश्चित भाव आसी थाए। तो चित्रगुड़िक भल भाव में अभ्यास कर। तापर 6 नंबर मध्य एक चित्र अंकन करने को कहुई ब्रुकग्र अनुदैर्घ्य छेदन नामांकित चित्र। तो यही आम यही चित्रटी अंकन करवा। ठीक अच्छे खातार यहाँ अंकन करदेव। तापर 7 नंबर प्रश्न देखा चित्र सह ग्लोमेरुलस गठन वर्णना कर। तो यही आम ग्लोमेरुलस चित्रटी अंकन करवापर भाव में जहाँ देखाई तुम स्क्रीन में से भाव में अंकन करदेव। तापर आम वर्णना करवा कौन वर्णना करवा देख तार गठन वर्णना करवा लिखा कौन अंतर्वाही उपधमनी और बहिर्वाही उपधमनी सह संश्लिष्ट कोशिकी नलीर गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहुए।
यहाँ बाउमियान कैप्सूल रो कप भोली खालुआ अंश रही थाए। रक्त अंतर्वाही उपधमनी दे ग्लोमेरुलस रे प्रवेश करे एवं बहिर्वाही उपधमनी दे बाहर को जाए थाए। रक्त छणा कार्यपाई एही व्यवस्था बेस उपयोगी। शेषे लिखा ग्लोमेरुलस और बाउमियान कैप्सूल मिसी रेनाल कर्पसल्स बा माल्पिजियन पिंड गठन करती। तो यहाँ गला आम 7 नंबर प्रश्नर उत्तर। तापर देखा आम 8 नंबर प्रश्न संक्षेप उत्तर देवाई कहुई। प्रथम कहुई वृक किपर शरीर अंत परिवेश बजाय रखि थाए। तार उत्तर लिखा आम कण देख ब्रुकक परिश्रवण पुनःसेचन क्षरण और निष्कासन इत्यादि प्रक्रिया माध्यम से शरीर अंत परिवेश को बजाय रखि थाए। तापर सेकेंड ख नंबर कही रेचन तंत्र क्या कहुए आम लिखा कौन जो अंग किंवा अंग समूह द्वारा शरीर बर्ज्यवस्तु निष्कासित हुए ताकू रेचन तंत्र कहुए। ग नंबर कही मेरुदंडी प्राणी मान यूरिया केउठी तैयारी हुए मनुष्य मुख्य रचना अंग गुड़िकर नाम लेख। तो लिखा आम उत्तर मेरुदंडी प्राणी मान यूरिया जकृद्रे तैयारी हुए मनुष्य मुख्य रचना अंग गुड़िकला ब्रुकक चर्म जकृत एवं फुसफुस। तापर देख घ नंबर कही सुस्थ व्यक्तिर मूत्र ईषद हलदिया कहीं मूत्र में क्यों उपादान थे व्यक्ति असुस्थ बोली जना जाए। यार उत्तर लिखा आम मनुष्य मूत्र में यूरोप्रोम नामक वर्णकणिकार उपस्थिति जो ईषद हलदिया देखा जाए। देखो मनुष्य मूत्र में कौन रही है यूरोप्रोम नामक वर्णकणिका रही है। यह सर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन रखी यहाँ को यूरोप्रोम जो ईषद हलदिया देखा जाए। आउ तापर परवर्त जो कही जो अंशटी कही प्रश्न तार उत्तर आम लिखा मूत्र में ग्लुकोज प्रोटीन और रक्तकणिका थे व्यक्ति असुस्थ बोली जमापड़े। तापर देखा आम नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर गोटे शब्द रे उत्तर देवाई कहुई। प्रथम कहुई शिखाकोश क्यों प्रकार कृमि मान रेचन अंग भाव में कार्य कै। तो आम लिखा कौन चेप्टा कृमि। तापर मनुष्य केउठारे एमोनिया यूरिया परिणत हुए यार उत्तर रही है जकृत। तापर ग नंबर कही देख ब्रुककरु निःसृत क्यों हरमोन लोहित रक्तकणिका तैयारी करिवारे साहाज्य करे। यार उत्तर रही है कौन एरिथ्रोपोएटिन हरमोन। नेक्स्ट कही घ नंबर तेंतुली रे क्यों अम्ल थाए। तेंतुली रे रही था क्यों अम्ल टार्टारिक अम्ल। तापर वन नंबर कही जिया और जोक गुड़िकर केउठी रेचन अंग भाव में कार्य करे। यार उत्तर रही है नेफ्रिडिया। तापर नेक्स्ट कही देख 10 नंबर प्रश्न शून्य स्थान पूरण करने कहुई। प्रथम रही विहंग और सरीसृप एमोनिया को डैश रे परिणत कर शरीर निष्कासित करते। यार उत्तर रही है कौन यूरिक अम्ल। तापर देख ब्रुकक्रे अति सूक्ष्म नलिका को डैश कहुए। यार उत्तर रही है कौन नेफ्रन। तापर देख माल्पिजियन नलिका डैश रेचन अंग रूपे कार्य करे। माल्पिजियन देख पतंग जो रही था पतंग मैंने कौन करती माल्पिजियन नलिका द्वारा आम रेचन कार्य करतापुर घ नंबर कही देख जलचर प्राणी शरीर में उत्पन्न एमोनिया को डैश क्रिया द्वारा शरीर निष्कासित करती। यार उत्तर लिखा आम कहें विषरण। तंबाकू पत्र निकोटीन एक डैश। यार उत्तर रही है उपक्षार। शून्य स्थान में लिखा उपक्षार। परिपक्व जाइलम रेजिन और डैश पर बर्ज्यवस्तु संग्रहित होता है। यार उत्तर लिखा टानिन है। तापर 11 नंबर प्रश्न कही वाक्य चिह्नित रेखांकित शब्द व शब्दपुंज को बदलाइ ठीक वाक्य लेख। प्रथम कही देख शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल ग्लिसेरल निर्गत हुए और ग्लिसेरल टी भूल रही है। यार आम लिखा कौन एमोनिया लिखा। तापर रही ख नंबर जलचर प्राणी शरीर उत्पन्न यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भूल रही यूरिक एसिड विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को निष्कासित होता है। तो यही यूरिक एसिड जगह आम लिखा कौन एमोनिया। तापर ग नंबर कही देख एमिबा पर एककोशी प्राणी मान रेचन प्रक्रिया नेफ्रिडिया द्वारा संपादित होता है। नेफ्रिडिया जगह आम लिखा प्लाज्मा झिल्ली और संकोचिकी धानी द्वारा। तापर घ नंबर कही मनुष्य मध्यच्छदार ठीक ऊपर को उदर गहर भितर दुईट ब्रुकक रही तो मध्यच्छदार तले रही थाए। यार उत्तर रही है कौन मनुष्य मध्यच्छदार ठीक तल को उदर गहर भितर दुईट ब्रुकक रही। तापर वन नंबर कही सिंकोना गछरे निकोटीन पर उपक्षार रही थाए। तो निकोटीन जगह आम लिखा कौन क्विनाइन रही थाए। तो यहीटा रहा आमर रेचनर प्रश्नावली। जदि भिडटी आपण उपयोगी होता है निश्चित भाव वीडियो को लाइक करूँ जो मानक यार आवश्यकता रही सेयार करूँ और जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब कर दिंतु यहीपर भिड परवर्त समय आहरी आसो आपण।
ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ସେଟାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।